हेलो गाइज, अभी तक आपको ये मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखो। 16 तारीख तक ही टाइम है भाई, अगर आप सब नहीं कंप्लीट करोगे ना भाई आपका बंडल छूट जाएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। फिर से मैं आपको यहाँ पर अलर्ट करना चाहूंगा, मेरे पास 11 टोकन है और यहाँ पर अनलिमिटेड टोकन नहीं मिलता, ये भी मैं अलर्ट करना चाहूंगा। अगर आप सब यहाँ पर से टोकन मिशन कंप्लीट नहीं करोगे, अगर आप लोग यहाँ पर से गलत प्रोसेस को इवेंट को कंप्लीट करोगे, तब गाइज ये आपको ये जो बंडल है, ये वाला बंडल, ये दो बंडल है, आपको एग्जाम्पल देता हूँ समझो भाई। ये मतलब एक समझो भाई, ये मतलब राक्षस है, रावण है, मतलब समझो। और ये जो बंडल है ना भाई, इसे क्या करना है, इसे मारना है, इसे मारना है। अगर आप लोग इसे मार देते हो तो आपको मैं पहले रिवार्ड्स के बारे में समझाता हूं। जैसे आप लोग अगर इस पर क्लिक करोगे तो जैसे मान लेता हूं कि इसको अगर मारोगे तो 100 गोल्ड मिलेगा, समझो गाइस। इसका जो ये समझो, ये मैंने क्या बताया, ये एक राक्षस है और इसका क्या होता है कि ये सब सैनिक है। कौन है? सैनिक है। और ये सब सैनिक को मार के आपको इसको मारना पड़ेगा, जब तक ये है तो आप इसको नहीं मार पाओगे, ठीक है। तो भाई क्या करना पड़ेगा, ये समझो एक तरह से एनर्जी है, इसको 200 एनर्जी है, ठीक है। और क्या, इसको 10 एनर्जी है, ये सैनिक 120 एनर्जी है, इसको 50 एनर्जी है, मतलब समझो। अब जैसे मैं इस रिवार्ड्स पर, जैसे मैं इस सैनिक पर यहां पर क्लिक करता हूं तो क्या होता है कि इसको मारोगे तो भाई आपको इतना कॉइन मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में आपको मारना किसको है, ये महाराजा बंडल को, मतलब रावण को। अगर आप सब इसे मारोगे तो भाई आपको इसे यहां पर बंडल मिलेगा, मतलब कौन सा बंडल मिलेगा, अगर आप सब यहां पर क्लिक करोगे, यहां पर क्लिक करोगे मतलब दिवाली बंडल, आप लोग जो भी इसे बंडल बोलना चाहो, तो इसे डिवाइन बंडल यहां पर बोलता हूं, ठीक है, जो नाम है। एक्चुअल में देखो आप लोग इसे दिवाली बंडल भी बोलते हो, दिवाली फ्री बंडल भी बोलते हो, बहुत प्रकार का आप लोग बोलते हो। आप चलो यार ये सबको तो छोड़ते हैं, आप सबको समझ में आ गया कि इसे मुझे बॉस को मारना है। अब मारना कैसे है, देखो आप लोग क्या मिस्टेक कर दोगे, आपको जो टोकन नहीं मिलेगा, मैंने आपको क्या बताया, बस आप लोग के पास टाइम है 16 नवंबर, इसके अंडर अगर आप सब फंस जाओगे, देखो आपको सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट, देखो समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी नहीं करना है, यहां पर आना है, यहां पर जो आप मिशन देख पा रहे हो, ये आपको बिजली वाला जो टोकन देख पा रहे हो, ये एक एनर्जी है, ये वाला टोकन आपको कलेक्ट करना है। यहां पर देखो ये टोकन को कैसे कलेक्ट करना, इतने सारे टोकन मिलेगा, अनलिमिटेड टोकन नहीं मिलेगा, मतलब डेली मिलेगा, डेली ये मिशन है, मतलब 12 घंटे के बाद 4 बजे फिर ये रिप्लेस हो जाएगा, फिर नया हो जाएगा, मतलब डेली ये मिलने वाला है। देखो मिशन पहले समझो, मतलब आप लोग को BRCS लॉन वुल्फ, ये दोनों आपको कोई भी गेम खेलना है, एक गेम खेलोगे तो आपको एक टोकन मिलेगा, 3 गेम खेलोगे फिर आपको एक टोकन मिलेगा, 6 गेम खेलोगे फिर आपको यहां पर से एक टोकन मिलेगा, कोई भी गेम खेलो, BR लॉन वुल्फ, PRCS कोई भी, ठीक है। अगर आप 9 गेम खेलोगे फिर आपको एक टोकन मिलेगा, फिर 12 गेम खेलोगे तो फिर आपको मिलेगा, लास्ट वाला एक मिशन है हेडशॉट वाला, किसी में आपको 10 बार हेडशॉट मारना, ये मिल जाएगा। चलो मैं पहले दोनों को क्लेम कर लेता हूं। इसी तरह भाई देख सकते हो, आपका भाई ने यहां पर कितना टोकन यहां पर जमा कर लिया, 13 टोकन कर लिया। अभी भाई बहुत लंबा मिशन है, तो भाई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आप लोग इसको समझो कि इसे कंप्लीट कैसे करना है, ठीक है। पहली बार देखो यहां पर आपको ये टोकन कंप्लीट करने के लिए समझ गया कि आपको डेली यहां पर से टोकन को छोड़ना नहीं है, 16 तारीख तक आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब देखो आपको यहां पर से मूव करना है, क्या करना है, मूव करना है। मूव कैसे करना है, मूव करने से पहले हम आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाले, जो कि 100% रियल एप्लीकेशन है। अगर आप लोग वीकली मंथली अगर आप सब सस्ते में खोलना चाहते हो, 100% रियल एप्लीकेशन है, जो मतलब आप सब जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, SG Game Shop जो 50 के से ऊपर डाउनलोड है प्ले स्टोर में अवेलेबल है। मैं आपको कभी खोलने के लिए नहीं बोलता हूं, कभी भी आजकल 1-2 मंथ अगर आपका कोई फ्रेंड खोलता है तो भाई इस एप्लीकेशन के बारे में जरूर बताना, मैं आपको अपने लिंक से डाउनलोड करने नहीं बोलता हूं, प्ले स्टोर में जाओ, विजिट करो, रिसर्च करो, और ये सस्ता एप्लीकेशन है, इसलिए मैं बताया 100% रियल एप्लीकेशन है, जहां पर से डिस्काउंट 100% मिलता है। चलो गाइस यार कुछ ज्यादा मैंने बकवासी कर दिया, मैं आपको इवेंट पर आता हूं और यहां पर से आपको हम एकदम समझाते हैं, ठीक है। दिवाली इवेंट पर आना है और यहां पर आपको इवेंट देखने को मिल जाता है। अब इस पर क्लिक करते हैं, अब देखो मैं आपको समझाता हूं क्या करना है। आपने टोकन को यहां पर से कलेक्ट कर लिया, टोकन को कलेक्ट करने के बाद आपको पहले यहां पर से मूव करना है। मूव करने से पहले हम आपको यहां पर समझाते हैं, जैसे मैं मान लेता हूं कि आपको यहां पर 4 एनर्जी टारगेट है, मतलब समझो आप 4 एनर्जी टारगेट हो, तो ये आप 8 वाले को नहीं मार पाओगे, 2 वाले को मार पाओगे, 4 वाले को मार पाओगे, मतलब 4 है तो आप 4 वाले से लड़ जाओगे, आप अपने से कम वाले एनर्जी से लड़ पाओगे, लेकिन आपसे जो अधिक है, जैसे ये 8 है, ये 8 है, इससे नहीं लड़ पाओगे, 10 से नहीं लड़ पाओगे, इससे लड़ पाओगे, इसको मार के जिसका कम एनर्जी है, जैसे इस बंदे का कम एनर्जी है, मतलब इस सैनिक का कम एनर्जी है, इसको मार के 6 करोगे, तब मतलब आप लोग 6 करोगे, फिर आप इसको मारोगे, तब इसको मार पाओगे, मतलब समझ रहे हो, ये सब सैनिक से आपको मार के एनर्जी लूटना पड़ेगा, जो भी आपका अधिक होते जाएगा, कम वाले को मारोगे, सेम वाले को मारोगे, तब आपको यहां पर आके मार देना है। एंड अब आपको मारना कैसे है, चलो अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके बताता हूं। आप सब स्क्रीन पे देखो, जैसे आप सब स्क्रीन पे देखो, यहां पर आपको विक्ट्री इवेंट एकदम कंप्लीट करके बताएंगे, फ्री फायर यहां पर दिवाली वाला इवेंट, ठीक है। जैसे आप सब स्क्रीन पे देखो, जैसे आपको यहां पर मूव पर यहां पर क्लिक करना है, यहां पर मूव पर क्लिक करने के बाद आपके सामने देखो कुछ इस प्रकार का आएगा कि आप एरो इस साइड करना चाहते हो या इस साइड करना चाहते हो। आप दिमाग लगाओ, अगर
आप लोग के दिमाग लगाओगे तो यहाँ पर मुझे कोई फायदा होगा, आपको इस साइड एरो जाना है, पहले आपको फोकस कर लेना है कि जैसे मैं अभी फोकस कर दे रहा हूँ, चार है तो मैं आठ वाले को तो नहीं मार पाऊंगा, इसको तो नहीं मार पाऊंगा, मैं दो वाले को मार पाऊंगा, तो मेरा काम होगा कि मैं ये दो वाले के पास जाऊं, दो वाले के पास जाऊं या तीन वाले के पास जाऊं, ये दोनों को मैं मार सकता हूं, तो इससे बढ़िया मैं ये तीन वाले के पास जाने की कोशिश करता हूं। चलो मैं सीधा यहां पर क्लिक करता हूं, करने के बाद मैं इस एरिया में आ गया। अब देखो मैं यहां पर इसे मार सकता हूं, लेकिन मैं दो को वेस्ट करके डायरेक्ट इसको मार देता हूं। अगर मैं इसको मार दूंगा यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा, सेम सब में आप में भी पॉइंट ऐसे रहेगा, फिर आपको इसमें चल जाना है। चलो मैं फिर से यहां पर से मूव पर क्लिक किया, अब मैं चल जाता हूं इस पर, ठीक है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो भाई अब मैं चार हो गया, पहले मैं तीन वाले को मारता हूं, तीन वाला मारूंगा, इसको मारूंगा, इसको मारूंगा, फिर आठ वाले को मार दूंगा, फिर उसके बाद इसको मारूंगा, फिर आगे चलते जाऊंगा, ठीक है। फिर से मैं यहां पर से मूव करता हूं। अब देखो यहां पर मैं नॉर्मली मार सकता हूं दो वाले को, लेकिन हमको तब भी यहां पर आना है, तो मैंने आगे स्टेप किया। तो भाई अब देखो मैं तीन पे, देखो भाई मैं पूरा डिटेल के साथ वीडियो लाया हूं, इसलिए भाई यहां पर मैंने टोकन को पुराया कि आप सबको कुछ प्रॉब्लम ना हो। अब भाई मैं नॉर्मली तीन वाले को मार दूंगा, तो भाई सीधा फिर से मैं यहां पर से मूव करता हूं, एंड अब मैं यहां पर चलता हूं किसको, ये तीन वाले को मारने के लिए। अब मैं यहां पर तीन पर क्लिक करता हूं और देखो भाई यहां पर मैं तीन वाले को यहां पर मारा, और इसका मुझे रिवार्ड्स भी मिलेगा, देखना अभी मुझे गोल्ड मिलेगा, और साथ में मुझे सात हो गया। अब नॉर्मली मैं यहां पर क्या करूंगा, चार वाले को मार सकता हूं। फिर से मैं नीचे से मूव करूंगा और मैं चार वाले के पास लेकर जाऊंगा, पीछे आगे नहीं करना है, हमेशा पॉइंट पर, आपको यहां पर एनर्जी को बर्बाद नहीं करना है। भाई इतने बढ़िया है ना, आपको कोई यूट्यूबर नहीं समझाएगा, भाई यही चीज रियलिटी है। भले वीडियो लंबा होती है लेकिन आप सब डिटेल के साथ समझ पाओगे, नॉर्मली मिशन को कंप्लीट कर पाओगे। आप सबके लिए मैंने टोकन को जमा किया, मैंने फिर से वीडियो बनाया कि आप सब भाई यहां पर से बंडल को ना छोड़ो, क्योंकि भाई बंडल बहुत अच्छा है भाई देखने में, और ये वाला बंडल तो भाई ये जो महाराजा वाला बंडल है ये तो भाई आने वाला है यहां पर डायमंड में रिंग इवेंट में। देखो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर 11 हो गया, अब मैं नॉर्मली मार सकता हूं ये दो वाले को और आठ वाले को, क्योंकि भाई ये दोनों ज्यादा मुझे पॉइंट यहां पर एनर्जी हो गया। फिर से मैं यहां पर मूव करता हूं और दो वाले के पास जाता हूं, दो वाले के पास गया तो देखो दो वाले को नॉर्मली मार दिया। अब भाई मेरे पास 13 पॉइंट हो गया ब्रदर, 13 पॉइंट होने के बाद मैं इसको भी मार दूंगा, इसको भी मार दूंगा, इसको भी मार दूंगा, तो भाई जब इसको मारूंगा तो भाई फिर भाई चार वाले को भी मार दूंगा, फिर ऐसे ऐसे करके भाई फिर आगे जाने वाला हूं, ठीक है। तो भाई फिर से मैं यहां पर मूव करता हूं, मूव करने के बाद चलो मैं ये आठ वाले को मार देता हूं, आठ वाले को मारने के बाद देखो भाई मेरे पास कितना हो गया, भाई डायरेक्ट यहां पर 21 हो गया, यहां पर लाइव प्रूफ में यहां पर वीडियो बना रहा हूं, यहां पर डायरेक्ट मेरे पास कितना हो गया, 21 हो गया। अब मैं क्या करना था, दिमाग लाओ कि मैं ज्यादा उझराऊंगा नहीं, भाई आराम से कंप्लीट हो जाए। 21 हो गया भाई, अब मुझे इस एरिया पे आना है, यहां पर आना है, ठीक है। ये आठ वाले को मुझे मारना है, कैसे मारना है, अब देखो फिर से मैं क्या करूंगा, यहां पर मूव पर क्लिक करूंगा, तो भाई यहां पर आपको बताया गया आप इधर, मैं चलो इधर आता हूं, ठीक है। तो भाई मैं इस एरिया में आ गया, आने के बाद देखो मैं 50 वाले को तो नहीं मार पाऊंगा, हां यहां पर से आठ वाले को मार दूंगा और 10 वाले को मार दूंगा। फिर से मैं यहां पर मूव करता हूं, यहां पर आना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं मार सकते हो, स्टेप स्टेप वाइज मार सकते हो। अब भले मैं यहां पर से फिर से यहां पर मैं मूव करता हूं, तो अब देखो क्या करूंगा, अब मैं यहां पर नॉर्मली मार दूंगा, पहले मैं यहां पर आता हूं। अब दिमाग देखो मैं यहां पर क्यों आया, तो मैं चाहता था इसको मार सकता था, तो भाई अभी देखना, क्योंकि भाई मुझे इसको भी खत्म करना है, इसी वजह से मैं इधर से आया। फिर से मैं यहां पर मूव करता हूं एंड इसको अब मैं नॉर्मली यहां पर से मार दूंगा, तो मेरे पास टोटल देखो कितना हो गया भाई, डायरेक्ट यहां पर मेरे पास 29 हो गया, 29 होगा। चलो मैं यहां पर से रिवार्ड्स को क्लेम कर लेता हूं, फिर से मैं चलो इसको मार देता हूं, ठीक है। तो मैं फिर से यहां पर मूव करता हूं और इसको मैं यहां पर क्लिक करके चलो मैं इसको भी यहां पर से मार देता हूं। मारने के बाद यहां पर देखो मेरे पास 39 हो गया। चलो मैं यहां पर से ओके करता हूं, ओके करने के बाद देखो 39 हो गया, तो भाई मैं 50 वाले तो नहीं मार पाऊंगा, इसको नहीं मार पाऊंगा, अब मुझे 10 वाले को मारना पड़ेगा और 4 वाले को मारना पड़ेगा, तब गाइज मेरे पास कितना हो जाएगा, यहां पर ऐड करना पड़ेगा। चलो पहले मैं यहां पर से 4 वाले को मारता हूं, 4 वाले को मारने के लिए फिर से मैं यहां पर मूव करता हूं, मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर आना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई यहां पर सीधा आता हूं, इधर से आता हूं, आने के बाद देखो भाई अब मेरे पास यहां पर टोकन 0 हो गया, तो भाई अब मैं यहां पर से मूव नहीं कर सकता, अब मुझे यहां पर से मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा कल परसों, एंड फिर से यहां पर करना पड़ेगा। आप एक साथ भी कर सकते हो, यहां पर आप लोग टोकन 4-5 दिन पहले जमा कर लो यहां पर से, और जैसे मैंने स्पिन किया इस तरह कर सकते हो, जिसके वजह से आपका दिमाग वहां पर खुलेगा एंड आप लोग नॉर्मली इसे मिशन को कंप्लीट कर पाओगे। अब देखो अब मैं क्या करूंगा, फिर मैं इसको मारूंगा, इसको मारने के बाद देखो मैं इसके पास नहीं जा सकता, फिर इस तरह करके फिर मैं इधर आऊंगा, तो भाई इधर आऊंगा, फिर ये 10 वाले को मारूंगा, फिर 10 वाले के 50 वाले को मारूंगा, फिर गाइस यहां पे एक जो है भाई फिर इसको 50 वाले को मारूंगा, तो भाई मेरे पास यहां पर 150 हो जाएगा, 150 होने के बाद भाई 120 आराम से हो जाएगा, फिर 120 वाले को मारूंगा, इस तरह मार के भाई इसे मार के यहां पर से मैं बंडल ले लूंगा। मतलब गाइस ये मेरी लास्ट वीडियो होने वाली है, जो मैंने आपको डिटेल के साथ कवर कर दिया, लगभग मैंने 80% यहां पर बंदे को मार दिया, बस यहां पर मारना है सैनिक को, मुझे यहां पर फ्री में फिर यहां पर मुझे मिल जाएगा, मैंने पूरा प्रोसेस भी बता दिया, इस तरह आप लोग नॉर्मली कंप्लीट कर सकते हो। आई होप कि गाइस आप लोग समझ गए होगे ये दिवाली वाला बंडल कैसे ले सकते हो। अगर आपको इसी तरह मतलब
जानना है कि गिल्ड पर अगर आप सबको प्रॉब्लम हो रही है कि गिल्ड पर कैसे लेबल कैसे बनाना है, मुझे गिल्ड टोकन कैसे मिलेगा, जैसे मुझे जैसे आप लोग देख पा रहे हो कैसे ये सब मिशन को कंप्लीट करना है, इस पर मैं डिटेल के साथ वीडियो बनाया हूँ। बीच वाला जो प्ले लिस्ट देख पा रहे हो इस पर क्लिक करो एंड आप लोग डिटेल के साथ जानकारी लो, एकदम डिटेल के साथ। ठीक है, चलो मजेदार वीडियो में। टाइट टाइप, बाय बाय।